करण को गुस्सा क्यों आया? मुझे एक सरप्राइज मिला आज जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. मैं नैना को सरप्राइज करने जा रहा था बट हाँ, मुझे दिखा कि नैना के हाथ में वैसी सेम पैचेस जैसे मेरे हाथ में आते हैं, तो मुझे क्लियर हो गया कि मेरे छूने से नैना को मेरी एलर्जी चली गई है. और ऑब्वियसली आउट ऑफ ऑल द वर्ल्ड, मतलब इन पूरी दुनिया में मुझे, मैं नहीं चाहूँगा कि नैना को कुछ होए और मेरी वजह स्पेशली हो गया, जो मैं हमेशा परहेज करता था बचपन से. आज तक किसी को छुआ नहीं बट नैना को छुआ एंड इट हैपेंड, तो पगला गया मैं आज. आपके सामने वो अपने हाथों को तो तकलीफ दे रहे थे जी. एक्चुअली नैना को भी अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि एलर्जी, उसने भी मतलब उसके नोटिस में नहीं आई थी और उसका प्लान था कि वो नहीं पता लगने देगी, पर करण ने किसी तरह देख ली और उसके बाद जो उसका एक यू नो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन मतलब पहले गुस्सा और बहुत ही खतरनाक था, तो अपने आप को वो हर्ट करना चाहता है क्योंकि उसको नहीं अच्छा लग रहा कि उसके वजह से, मतलब ऑब्वियसली नोज की बात यहाँ तक नहीं पहुँचती अगर वो दोस्ती नहीं करता और जो भी, तो अभी कहीं ना कहीं वो अपने आप को गलत समझ रहा है जो कि जैसा है नहीं. तो लास्टली कह सकते हैं कि जो दोस्ती से पहले का आप लोगों का जो दौर था, अब शायद घूम फिर के फिर वहीं आ जाएंगे. एक रोलर कोस्टर है. वही तो नैना की टेंशन है, कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाया था और वापस बैक टू ज़ीरो. लेट्स सी, आई डोंट थिंक ऐसा होगा क्योंकि अभी इंटेंट, अगर वैसा होगा भी तो थिंग्स विल बी डिफरेंट क्योंकि हम मतलब एक बार तो बॉन्ड कर चुके हैं, तो लेट्स सी.